उसको मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। आएंगे तो श्री शंकराचार्य के पास आएंगे, इसके आगे जाएंगे वंसार जाएंगे और आगे पूरा जंगल पूरा पहाड़ पूरा नदी का नजारा मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। वीडियो पर बने रहें और पूरा एडवेंचर सफर का मजा लें। हाँ, शंकराचार्य गेट से मेरी यात्रा शुरू होती है। शंकराचार्य गेट से आगे आते हैं तो वीरगंज भंसार कार्यालय आता है, यहाँ पर चेकिंग होती है और भारतीय गाड़ियों को भंसार कटाने की आवश्यकता होती है। ये रहा वीरगंज भंसार कार्यालय। और वीरगंज भंसार कार्यालय से आने के बाद जिनके पास अपना गाड़ी हो गाड़ी से अपना यात्रा सफर कर सकते हैं, और मैं तो अपने गाड़ी से जा रहा हूं। और ये देखिए वीरगंज का बस स्टैंड आया, यहां से बस पकड़ना होता है जो काठमांडू मुगलिन होकर जो बस काठमांडू जाती है वो बस पकड़ के कुरिंग टार उतर के फिर श्री माता मनकामना दर्शन के लिए जाना होता है। ये आप देख लीजिए वीरगंज का बस स्टैंड है, वीरगंज बस स्टैंड अंदर से देखिए वीरगंज बस स्टैंड। एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जो बस मुगलिन होके काठमांडू जाए उसी बस से जाना होता है और कुरिंगटान उतर के श्री माता मनकामना दर्शन के लिए जाना होता है। ये वीरगंज का घंटाघर। वीरगंज घंटाघर। अब मैं अपने गाड़ी से वीरगंज से बाहर निकल रहा हूं। ये पथलैया, वीरगंज से आगे पथलैया का जंगल। ये नारायण घाट नारायण घाट मुगलिन रोड, नारायण घाट मुगलिन रोड जो पूरा बन के नए अवतार में दिखाई दे रहा है। पहले बहुत खराब था, अभी तो बहुत फर्स्ट क्लास हो गया है। वीरगंज नारायण घाट रोड और वीरगंज मुगलिन रोड है, वीरगंज नारायण घाट है, वीरगंज मुगलिन रोड जो अपने नए अवतार में दिख रहा है। और मुगलिन से आगे जाने पर कुरिंग टार आता है, अभी थोड़ा देर बाद मुगलिन भी आएगा। पूरा पहाड़ी रास्ता, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ नदी आपको दिखाई देगी। और मोड़ तो कितने आते हैं मोड़ का तो पता नहीं, मोड़ का काउंटिंग करने से नहीं होता है। रास्ता बीच में कहीं कहीं खराब भी है, लेकिन एकदम बाकी रास्ता फर्स्ट क्लास है। देखिए एक तरफ में नदी, एक तरफ में पहाड़ आता है। हम लोग उसी तरह मुगलिन आ गए हैं। यहाँ से दो रास्ता दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ता पोखरा के लिए जाता है, एक रास्ता काठमांडू के लिए जाता है। हम लोग काठमांडू वाले रास्ते पे जाएंगे और यहाँ से जम्मा 7 किलोमीटर है कुरिंग टार, यहाँ से केवल कार मिलेगी और हम श्री माता मनकामना दर्शन के लिए जाएंगे। देखिए एक कुरिंग टार का पहला लूप, हम लोग आ गए कुरिंग टार। कुरिंग टार से रोड है, रोड से नीचे केवल कार का स्टेशन बना हुआ है। अब आपको अभी मनकामना माता जाने के लिए श्री मनकामना माता का प्रवेश द्वार दिख रहा है। अब हम लोग नीचे जाएंगे, अपना गाड़ी लगाएंगे, टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद केवल कार में जाएंगे
और केवल कार से ऊपर जाके श्री माता मनकामना का दर्शन करेंगे। अद्भुत नजारा दिखता है, अद्भुत नजारा, मनोरम दृश्य। और जय माता दी का नारा लगाते हुए हम लोग दो आदमी हैं अपना सफर तय कर चुके हैं। 4 घंटा गाड़ी चलाने के बाद वीरगंज से हम श्री माता मनकामना दर्शन के लिए कुरिंगटार केवल कार के पास पहुंचे हैं। अब हम टिकट लेने जा रहे हैं। हम लोगों ने टिकट ले लिया करीब करीब, और टिकट का एक बार मैं लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ, टिकट का फेयर क्या है देख लीजिए। हाँ, हम लोग टिकट ले लिए अब केवल कार में बैठने के लिए। इस सीढ़ियों के रास्ते से हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर से केवल कार में बैठेंगे। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है एक केवल कार का प्रवेश द्वार है, यहीं से केवल कार शुरू होती है जो मंदिर तक जाती है, और जहाँ केवल कार रुकी है वहाँ से पैदल 500 मीटर चलना होता है। एक केवल कार का रहा, अभी भीड़ कम है इसीलिए लाइन भी कम है। एक केवल कार का फर्स्ट लुक, इसी में बैठ के हम लोग ऊपर जाएंगे। हम लोग आ गए केवल कार में, केवल कार में बैठ गए हैं। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे नदी दिखेगी, चारों तरफ पहाड़। केवल कार में बैठने का एक अनुभूति और श्री माता का दर्शन करने का एक उल्लास उत्साह, अजीब सा मन में खुशी का एहसास होता है जो मुझे भी हो रहा है, और वीडियो के माध्यम से आप भी देख रहे हैं श्री माता मनकामना दर्शन करने का एक तरीका। और मेरे वीडियो के माध्यम से आप श्री माता मनकामना का दर्शन करेंगे, मैं माता मनकामना से प्रार्थना करता हूँ कि जो व्यूअर्स हमारे वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं माता मनकामना, उन पर भी अपना कृपा रखें, उस पर भी कृपा रखें, साथ साथ वीडियो देखने वालों पर भी श्री माता मनकामना कृपा रखें। देखिए ऊपर कितना ऊपर पहाड़ जंगल, साइड में चील भी उड़ रहे हैं, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, चील लोग नीचे उड़ रहे हैं। हम लोग पहुंच गए मनकामना माता मंदिर स्टेशन, अब यहाँ हम लोग उतरेंगे, यहाँ से हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे जो 500 मीटर की दूरी पे है मंदिर। केवल कार से उतर के जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे रोड के दोनों साइड में फूल प्रसाद और पूजा सामग्री का दुकान है। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने यथाशक्ति के अनुसार पूजा सामग्री ले सकते हैं और माता के लिए दर्शन करने जा सकते हैं। चलिए आगे, मैं मंदिर जाऊँ तो मंदिर दिखाता हूँ। उसी तरह मंदिर जाते समय दोनों साइड में फूल प्रसाद की दुकानें मिलती है, और एक केवल कार सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक चलती है। ध्यान दीजिए, सुबह 8 बजे से 5 बजे शाम तक केवल कार चलती है, इसीलिए नीचे से सुबह 8 बजे से ऊपर आ सकते हैं और शाम को 5 बजे तक ऊपर से आप नीचे जा सकते हैं। माता मनकामना से मंदिर के बगल में साइड से देखने का साइड सीन है, जो यहाँ से गजब का नज़ारा दिखता है। माता मनकामना मंदिर, छोटे बड़े मंदिर मूर्तियों के साथ में। जूता चप्पल रखने का स्टैंड बना हुआ है। अभी मंदिर दर्शन होने के बाद नारियल फोड़ने का कार्यक्रम हो रहा है, नारियल फोड़ के अगरबत्ती वगैरह हम लोग दिखाएंगे और ये वीडियो के लिए कुछ बोलेंगे, उसके बाद मेरा वीडियो अब थोड़ी ही देर में ख़त्म भी हो जाएगी। अब मैं आपको मैं भी अगरबत्ती दर्शन करने के बाद अब मैं थोड़ा मंदिर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी माता का दर्शन हो गया, श्री मनकामना माता मंदिर में,
और माता का दर्शन करने के बाद मैं सभी छोटे बड़े मंदिरों में घूमने के बाद मैं अब ब्लॉग के लिए कुछ सब बताना चाहता हूँ। यहाँ मंदिर में आके दर्शन करने से हर एक आदमी की इच्छा मनोकामना पूरी होती है। माता मनोकामना का बहुत कृपा है। हजारों साल पुराना मंदिर है, गोरखा के राजाओं ने मंदिर को बनवाया है। हम तो बहुत साल से आ रहे हैं और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं माता मनोकामना से प्रार्थना करता हूँ, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनकी भी मनोकामना माता मनोकामना पूरा करें। जय माता मनोकामना की जय हो।